सर इधर देखिए दुकान है मेरा, हम चूड़ी का चला रहे थे, गहन का चूड़ी पहना रहे थे। एक बैग है तब पुलिस इंक्वायरी में आया और कहने लगा कि है तब मंदिर में है, तब गांजा पी रहा था, सबको पकड़ के ले गया, दो तीन गो लड़का को। हम लोग दोनों मियां बीवी दुकान पे कर रहे थे, चूड़ी उड़ी दे रहे थे, तो सर बुलाए गाड़ी के, आइए अशोक जी, आइए अशोक जी से आइए, बात करना चाह रहे हैं कुछ, इनको बुला के उधर ले गए। और उसके बाद है तब हमको आया सब लड़का सब मिल के और कहा कि तुम ही, तुम्हारा घर है, तुम ही हमको देखा होगा गाजा पीते, तुम ही पुलिस को बुला दिया होगा, और हमको क्या जरूरी था, मेरा मोबाइल चोरी हुआ या 20,000 का था, हम कंप्लेन किए तब, हम उसी समय नहीं बोलते उसको कि। दरभंगा में नशेड़ियों ने चूड़ी दुकान में की तोड़फोड़। नगर थाना क्षेत्र के नीम चौक पर स्थित एक चूड़ी की दुकान में गुरुवार को नशेड़ियों ने जमकर उत्पात मचाया। बताया जाता है कि चूड़ी दुकान के बगल में एक मंदिर है, वहां नशेड़ियों का जमावड़ा लगा रहता है। पुलिस आजकल होटल, मंदिर व मस्जिद में विशेष चेकिंग अभियान चला रही है। इसी दौरान पुलिस उक्त मंदिर पर पहुंची, वहां नशेड़ियों का जमावड़ा लगा हुआ था। जैसे ही पुलिस मंदिर पर पहुंची, नशेड़ी वहां से रफूचक्कर हो गए। जब पुलिस वहां से लौटी तो नशेड़ियों ने अशोक गिरी की चूड़ी दुकान में घुसकर तोड़फोड़ शुरू कर दी। नशेड़ियों को आशंका थी कि इस दुकानदार ने पुलिस को उनके बारे में सूचना दी। दुकानदार ने इसकी सूचना थाने की पुलिस को दी। नशेड़ी पुलिस की गाड़ी को देखते हुए भाग खड़े हुए। इधर पुलिस नशेड़ियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। चूड़ी का दुकान है मेरा, हम चूड़ी का चला रहे थे, गहन का चूड़ी पहना रहे थे। एक बैग है तब पुलिस इंक्वायरी में आया और कहने लगा कि है तब मंदिर में है, तब गांजा पी रहा था, सबको पकड़ के ले गया, दो तीन गो लड़का को। हम लोग दोनों मियां बीवी दुकान पे कर रहे थे, चूड़ी उड़ी दे रहे थे, तो सर बुलाए गाड़ी के, आइए अशोक जी, आइए अशोक जी से आइए, बात करना चाह रहे हैं कुछ, इनको बुला के उधर ले गए। और उसके बाद है तब हमको आया सब लड़का सब मिल के और कहा कि तुम ही, तुम्हारा घर है, तुम ही हमको देखा होगा गांजा पीते, तुम ही पुलिस को बुला दिया होगा। आखिर वजह क्या था उन लोगों का, यहाँ आने का मकसद क्या था? हमके छोड़वाने के लिए सर, आर के सिंह आए हुए थे, अशोक जी बोला ही, हम गए उनके साथ, धूप डोला तक गए, सिमनाथ जी के दुकान तक गए हम वहाँ तक। हमका सर मोहल्ले का बच्चा छोड़ दिए उसको, फिर घंटा के बाद छोड़ दीजिए, कानून का उठा बटी करा के छोड़ दीजिएगा। उसी पर लौट के आ रहे थे, एक दो मुस्लिम लड़का भी भेगना भी है, वो भी देखा है, सामने में देखा है कि हम पर भी किए कि छोड़ दीजिएगा सर, छोड़ा, हाथ हाथ बोल सब जोड़े हैं। कौन लड़का सब था? ये सर सब था। नाम जानते हैं? नाम बताइए। गोलू कुमार और पवन कुमार, सुमित कुमार सब इसी मोहल्ले का रहने वाले, सब इसी मोहल्ले का, सब इसी रही है। मंदिर में सर इंक्वायरी के लिए पुलिस आया हुआ था, ठीक है, उसमें आया दो तीन बंदे को उठा के लेके गए। उसके बाद वो लोग क्या हुआ, प्रशासन चले गए अपना, उनको लेके वो लोग आया सब मिलके और सीधा दुकान पे आके चढ़ के मम्मी पे झगड़ने लगा, मम्मी चूड़ी पूरी पूरा फोड़ दिया। उसके बाद आके हमको मारने लगा, हम मम्मी को बचाने के लिए गए तो हमको मारने लगा, मेरा देखे शर्ट सब कुछ फाड़ दिया। अब वो कहता है कि हम ही लोग बुलाए, हमको क्या जरूरत है, वो रोज का पीता है, कोई नया बात नहीं है, रोज पीता है, लेकिन हमको क्या जरूरत है बोलने का। अब वो कौन बोला कौन नहीं बोला उससे ना समझेगा, वो आके पूरा तोड़ फोड़ करने का, ईटा बरसाया है। इससे पहले कभी आपने बोला था? नहीं, इससे पहले मैंने कभी नहीं बोला।